आज का है शांत रहो। आज का महत्वपूर्ण बहुत विषय है, ठीक है, एसएससी है। क्या है एसएससी? एसएससी मतलब क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जीडी। जीडी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीडी। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, ठीक है जीडी। एसएससी क्या करता है? एसएससी क्या है? एसएससी क्या है? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। एसएससी है क्या? फिर असिस्टेंट कुछ तो होगा हा? इसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, ठीक है। तो बेसिकली हम जनरल ड्यूटी में बताएंगे। एसएससी तो बहुत सारे टाइप का है, ठीक है। एसएससी टीचर का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, हाई लेवल का भी करता है, सीजीएल का भी करता है, बहुत लोग बहुत चीजों का करता है कॉमन, ठीक है। हम बेसिकली क्या बोले, एसएससी जीडी के बारे में बताएंगे, ठीक है। पहला क्या है इसमें, सबसे पहले जानना है कि जीडी में कौन कौन सा पोस्ट होता है, जीडी में कौन कौन सा पोस्ट होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है पोस्ट कौन सा उसका होता है, ठीक है। पहला कौन सा होता है? बीएसएफ। दूसरा सीआईएसएफ। तीसरा आईटीबीपी, आईटीबीपी। चौथा आसाम राइफल। पांचवा सीआरपीएफ। छठवा एसएसबी, ठीक है। सातवा एसएसए, ठीक है। इतना सारा पोस्ट होता है, ठीक है, इतना सारा पोस्ट होता है। इसका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसका सेंट्रल, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसका नाम है इंडियन, ठीक है, तिब्बतीय, तिब्बतीय बॉर्डर पुलिस फोर्स। एक असम राइफल, एयर मतलब असम राइफल, एक बार में बोला करो, हाँ हाँ, ठीक है, असम राइफल। सीआरपी मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। एसएसबी मतलब सशस्त्र, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। एसएस में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसका एक फुल फॉर्म है, ठीक है, एग्जाम में कभी कभी आता है, ठीक है, एग्जाम में आता है कि बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो ये पहले से जानो रहोगे तो एग्जाम में जाओगे तो तुरंत टिक मार दोगे, ठीक है। तो ये जरूरी है, ये तो शॉर्ट नेम बोलता है, कोई बीएसएफ बोलता है, ऐसे बोलता है, ठीक है। सब चीज का फुल फॉर्म होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स उसका भी फुल फॉर्म होता है, लेकिन ये मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें जान लेते हो कि सबका क्या क्या रोल होता है, सबका तो कोई ना कोई रोल होता होगा ना, नाम ऐसे ही थोड़े पड़ गया है, किसी ने किसी का रोल होगा ही होगा, ठीक है। पहले आप लोग समझ लो, बाद में उतार लेना, ठीक है। अब बीएसएफ का क्या काम होता है, नाम से ही लग रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम से लग रहा है ना कि बॉर्डर, बॉर्डर से रिलेटेड, मतलब बॉर्डर के आसपास रहता है लोग, उसका रक्षा करता है लोग, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बॉर्डर के एरिया में, बॉर्डर एरिया में रहता है, नक्सलाइट एरिया में रहता है, और रोड कंस्ट्रक्शन अंडर में, रोड जो आता है सेना के बगल में जितने भी रोड है उस रोड के इलाके में रहता है, या फिर पहाड़ी इलाका में ज्यादातर रहता है, ठीक है। सीआईएसएफ का मेन काम होता है संपत्ति को रक्षा करना, देश की संपत्ति, यानी जैसे एयरपोर्ट हो गया, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गया, आपको बंदूक की जो फैक्ट्री बनती है, बंदूक जिसमें बनता है, राइफल फिर बनता है, राइफल में जो फायदा है उसकी संपत्ति को रक्षा करना है, गेट पर ड्यूटी रहता है, कलर करता है, बहुत सारा पोस्ट पर ये लोग रहता है, ठीक है। यानी मेन काम है इसका संपत्ति को रक्षा करना, ठीक है। ज्यादातर इलेक्शन में ही ये लोग ही आते हैं, इलेक्शन जब होता है किसी भी जैसे उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी दूसरे स्टेट में जब इलेक्शन होता है तो सीआईएसएफ वाले ही आते हैं, ठीक है, इलेक्शन में ये लोग ही मारने के लिए आते हैं। उसके बाद क्या होता है, आईटीबीपी, आईटीबीपी बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये सबसे, अगर नौकरी अगर किसी की है
अगर नौकरी किसी की है सबसे खतरनाक नौकरी या जिसका लाइफ का कोई ठीक ही नहीं, ठीक है, आईटीबीपी की है और सीआरपीएफ की। हर साल आईटीबीपी और सीआरपीएफ में हर साल या हर रोज मारते हैं, मारे जाते हैं इसमें फौज में बंदे, ठीक है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है। जब वैकेंसी निकलती है जैसे कि ना, सबसे ज्यादा आईटीबीपी और सीआरपीएफ की वैकेंसी निकलती है, इसमें ही सबसे ज्यादा लड़के भरते हैं। अगर कोई सोचेगा मैं सीएसएफ में हो जाए, असम राइफल में हो जाए, या फिर एसएसबी में हो जाए, चाहे एसएसएफ में हो जाए, तो क्या होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो मेरिट उसका हाई जाता है। बहुत शुक्रिया, आठ नंबर रहना आइए, ठीक है, आइए, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। अब क्या होता है, आईटीसी तो क्लियर हो गया, सीएसएफ क्लियर हो गया, बीएसएफ क्लियर हो गया, तीनों पता चल गया कौन कौन क्या क्या वर्क करता है, ठीक है। अब चलते हैं एआर, मतलब असम राइफल। पिछले वीडियो में बताया था, वैसे पिछले क्लास में बताया था कि हिल स्टेशन के बारे में, जो पहाड़ी वाला इलाका में रहते हैं, तो असम राइफल असम में है, ठीक है, असम ज्यादातर पहाड़ी इलाकों से ही घेरा हुआ है, तो वहां के लोगों की हाइट बहुत कम होती है, हाइट कम होती है, इसलिए उन लोगों की हाइट सबसे कम लगती है, सबसे कम हाइट इसको लिया 162.5 हाइट ली जाती है, ठीक है, ले ली जाती है। ये असम में ही ज्यादातर रहते हैं और बाहर भी ड्यूटी ड्यूटी ज्यादातर ये लोगों को नक्सलाइट एरिया में भेज रहा है, ज्यादातर नक्सलाइट एरिया में असम में ही ज्यादा रहते हैं ये लोग, क्योंकि वहां के हिसाब से कुछ एक्ट लागू हुआ था उस समय कुछ एक्ट लागू हुआ था, उसके तहत ये लोगों को किया जाता है। अब सीआरपीएफ और आईटीबीपी कहीं भी भेज दिया जाता है, किसी भी स्टेट में, किसी भी जंगल में, किसी भी पहाड़ी इलाका में, जहाँ पानी का ठीक नहीं है और खाने का ठीक नहीं है, पानी भी नहीं मिलेगा 10-10 दिन तक, खाना नहीं मिलेगा 10-10 दिन तक, ये लोग पेड़ पत्तों आम घास माटी खा खा कर अपना जीवन व्यतीत कर, जब ऐसी मुसीबत आती है तो, ठीक है। अब इन लोगों का हेल्प कौन करता है, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, इन लोगों का हेल्प करता है, क्या पहुंचाने में, हथियार हो गया, सामान हो गया, ये सब पहुंचाने का यही हेल्प करता है, ठीक है। अगर ये हेल्प ना करे किसी फौजी भाई को, टाइम टू टाइम खाना या फिर हथियार नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, प्रधानमंत्री को देखे हो उसके पीछे पीछे काला काला कोट पहन कर रहता है, चश्मा लगाया रहता है, काला कोट रहता है, सब बंदूक लिया रहता है, एसएसएफ वाले, ठीक है, उसकी हाइट ज्यादा ली जाती है, 170-72-76 हाइट ली जाती है, ठीक है। स्पेशल सिक्योरिटी को फौज हमारा इतना ही पहले वैकेंसी हुआ, पहले बाद में ये वाला वैकेंसी भी था, पहले वैकेंसी इतना ही होता था, ठीक है, बाद में दो पोस्ट बढ़ा दिया गया, पहले वैकेंसी एसएससी में इतना ही होता था, बाद में बढ़ा दिया। उसके बाद होता है एसएसएफ का क्या काम है, सिक्योरिटी लेवल की चीज को देखना, सिक्योरिटी लेवल, जैसे आपको ये लोग को ज़्यादातर गेट पे ड्यूटी ली जाती है, गेट पर हो गया, कुछ जानकारियाँ निकालना उसके लिए करना पड़ता है, या फिर इसमें से निकाल कर एक सिक्योरिटी लेवल पर, यानी कोई नेता होगा उसके पीछे दिया जाता है, ठीक है ना, उसमें से निकाला जाता है, अच्छे अच्छे बंदों को निकाला जाता है, निकाल कर भेजा जाता है, ठीक है, ड्यूटी पर, ठीक है। उसके बाद एनआईए ऐसा एक फोर्स है जिसकी नौकरी अगर किसी को मिल जाए, मर भी जाए ना, वैसे नौकरी नसीब वालों को मिलती है, अगर गौर नौकरी है तो एनआईए की, नहीं तो किसी की नहीं, और भी है, आईबी है, सीबीआई है, रॉ है, लेकिन एक एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसी। एजेंसी का क्या काम है कि पहले किसी इलाके में जाना, उस इलाके में कौन कौन कब रह रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, क्यों आया है, उसका पूरा डिटेल्स निकालना, उसके बाद उसको पकड़ना, ये नहीं है काम रहता है, ठीक है, कौन हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कौन नहीं रच रहा है, इसी का काम होता है, इसको पता करना, ये नहीं बाद में ऐड किया गया, इसका मेरिट सबसे हाई जाता है, ठीक है, इसका मेरिट सबसे हाई जाता है। जब फॉर्म फिलअप होगा ना, तो इसमें क्या होता है कि पहला एक ए बी सी डी पॉइंट आता है, फॉर्म फिलअप में ए बी सी डी पॉइंट आता है, पहला डालना है बी एस एफ, जो तुम्हें पसंद है कोई भी डाल दो, पहले एनआईए डालिए हमें, फिर
फिर SSF डाल दिया, फिर SSB, उसके बाद डाल दिया CISF, उसके बाद डाल दिया CIFF, फिर आसाम राइफल BSF डाल दिया। लेकिन तुम्हारा अगर 50 नंबर आया है, मान लो तुम्हारा आया है 70, फिर इसमें आया है 60, इसमें आया 50, इसमें आया 40, इसमें आया 30, इसमें आया 20, इसमें आया 10, पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब वो देखिएगा कि तुम्हारा मेरिट हाई जैसे ही करते जाएगा तो तुम्हारा ये सब गायब होता चला जाएगा, बचेगा क्या लास्ट में BSF, तो किसी ना किसी एक में मेरिट तुम्हारी हो जाती है, यानी किसी ना किसी एक में नौकरी हो जाती है। जैसे तुम फॉर्म भर रहे होगे कि नहीं हमको इसमें मिल जाता तो अच्छा होता, बट वैसे नहीं हो पाता, उसके लिए रैंक ज्यादा लाना पड़ता है, मार्क्स ज्यादा लाना पड़ता है। अगर तुम ये उम्मीद रखो कि चलो हमको NIA अगर पोस्ट मिल जाता है, NIA का सबसे ज्यादा पावर होता है, किसी भी मंत्री, नेता, पॉलिटिकल लीडर या गुंडा, मवाली, पुलिस किसी को नहीं समझता, मैन पावर सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। इसको हाई कमांड से डायरेक्ट ऑर्डर रहता है, हाई कमांड का ही बात सुनता नहीं तो किसी का नहीं सुनता, ठीक है। किसी को कहीं भी उठा सकता है, किसी को कहीं भी मार सकता है, परमिशन रहता है, ठीक है। इसको कमांड, हाई कमांड से परमिशन मिलता है, जांच के लिए ये लोग आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका एज कितना होता है, एज कितना होता है 18 से 25, ठीक है, 18 से 25, ठीक है। अब इसका पंडा क्या होता है, 18 से 25 जो लिया जाता है, ठीक है, इसमें भी वो है 18 से 25 तो नॉर्मल लिया ही जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो SC रहता है, SC के बारे में पता है, ST, OBC एंड EWS, ठीक है, SC, ST, OBC, EWS। SC माने सिविल कास्ट, शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, फिर EWS इकोनॉमिक सर्टिफिकेट, जो गरीब अमीर, टाइटल तो अमीर है, कोई पंडित है, सिंह है, बोलेगा टाइटल, लेकिन वो गरीब है बेचारा, उसके लिए बाद में निकाला गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोगों का फीस क्या हो जाता है, फ्री, क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, ये लोगों का फीस नहीं लगता है, ठीक है। और लड़की लोगों का भी नहीं लगता है, फीमेल का भी नहीं लगता है इसमें फीस, प्लस इसमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, 2 साल का एज, कितना साल का मिलता है, दो साल का, 2 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ये सब टोटल आ गया, EWSC इसमें आ गया, STEC में आ गया, EWS आ गया इसी में, ठीक है, और OBC में आ गया, लेकिन जर्नल और OBC में, ठीक है, इसमें OBC नहीं रहेगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, OBC को इसको फीस लगता है, कितना लगता है, 100 रुपीज, क्या लगता है, 100 रुपीज, फीस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो बढ़ भी सकता है, इसका फीस कितना लगता है, 100 रुपया, ठीक है, इसका फ्री रहता है, और 2 साल की छूट भी मिलती है, एज में 2 साल की छूट, मतलब कोई बंदा है 25 साल का, अब सुनेगा कि फॉर्म तो मैं भर नहीं पाऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट उसको 2 साल का या 3 साल का छूट दिया है, ठीक है, तो वो फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसको SC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम कैसे होता है, इसका एग्जाम होता है ऑनलाइन, क्या होता है, ऑनलाइन, इसका एग्जाम ऑनलाइन होता है ना, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स, कितना, 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, और कितना क्वेश्चन रहता है, कितना कट ऑफ मार्क्स रहता है, 0.25% एक में एक नंबर रहता है, यानी 100 में 100 नंबर, एक में एक नंबर, 100 में 100 नंबर, ठीक है। लेकिन आगे गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि डिफेंस में जितने पाने वाले जॉब है उसके लिए माइनस पॉइंट नहीं दिया जाए, ठीक है, जितना सही है सही है, जितना गलत है गलत है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप फौज में जाते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखना, डॉक्यूमेंट का, क्या, डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स आपका सही होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त क्या ले जाना है, 10th क्लास का एडमिट, ठीक है,
एडमिट, आधार कार्ड, ठीक है, उसके बाद फोटो चले जाना है, फोटो, उसके बाद जो आपका 10th क्लास का मार्कशीट है, क्या है, अंक प्रमाण पत्र, ठीक है, अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट लेकर जाना पड़ता है, ये फॉर्म फिलअप करने वक्त लेकर जाना पड़ता है। एक और चीज है, डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, क्या, निवास प्रमाण, डोमिसाइल, अब एससी एसटी है तो लेकर जाना है एससी एसटी कार्ड, ठीक है, एसटी कार्ड, तभी आपका छूट मिलेगा फीस में, नहीं तो नहीं मिलेगा, फिर आपको 100 रुपया देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, फीस तो बोल दी है, फ्री रहता है, ठीक है, फीस क्या रहता है, फ्री रहता है, और जनरल के लिए और आपको ओबीसी के लिए फीस देना पड़ता है, ठीक है। इसमें एक सर्विसमैन भी आता है, जो पहले से नौकरी कर लिया है, फिर घर आ गया, फिर से वो नौकरी करना चाहता है, उसके लिए भी एज में छूट दिया जाता है, ठीक है, एज में छूट दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है, मास कितना नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, 100 नंबर में कितना, 100 नंबर देना पड़ता है, ठीक है, 0.5 क्या होता है, माइनस पॉइंट रहता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें ध्यान रखना आपको फिजिकल का, हाइट कितनी लगती है, पहले वीडियो में बताया था, पहले क्लास में भी बताया था कि हाइट कितनी लगती है, हाइट कितनी लगती है, 177, सॉरी 77, ठीक है, कितना लगा ना, 170 लगता है, ठीक है, और 77 सेंटीमीटर क्या लगता है, चेस्ट, ठीक है, और 0.5 सेंटीमीटर फुला कर, क्या करना है, फुला कर, याद रखना। अब क्या इसमें पंडा है, 170 हाइट सबको नहीं लगती, ठीक है, सबको नहीं लगती, इसमें एसटी और हिल स्टेशन से जो बिलोंग करता है उसकी हाइट लगती है आपको 162.5, ठीक है, चेस्ट ठीक ही है, चेस्ट सेम है, चेस्ट होना चाहिए, लेकिन हाइट में छूट मिल जाती है, ठीक है, हाइट में छूट मिल जाती है। अब इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि सभी बच्चे तो फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी कर लिए, फीस भर दिए, मार्क्स मिला लिए, फिजिकल भी लाते हैं, सब कुछ कंप्लीट कर लिए, अब बारी आती है प्रोसेस का, क्या होता है इसके बाद, पीईटी होता है, क्या होता है, पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसके बाद क्या होता है, पीएफटी, आपको बताया था, वो रखना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेडिकल होता है, ठीक है, मेडिकल टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, उसके बाद क्या बनता है, मेरिट, ठीक है, सब कंप्लीट कर दिया, मेडिकल निकल गया, मेरिट बनता है, मेरिट बनता है, तब जाके लिस्ट में नाम आता है, किस बंदे को कहां पर सर्विस मिली और किस पोस्ट के लिए मिला, इतना सब करने के बाद तब मिलता है एक जॉब, तब मिलती है एक वर्दी, ठीक है, तब छाती पे मिलता है एक वर्दी, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चन रह गया या कोई चीज पूछना है, कोई डाउट है तो बताओ, हम बताते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या लिखना है, वो लिखा है सबसे पहले क्या है, कौन सही वाला, 10th क्लास एडमिट, एडमिट का, हाँ एडमिट का, 10th क्लास एडमिट, ठीक है, 10th क्लास एडमिट, उत्तर प्रदेश में एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता है, मार्कशीट में ही दिया जाता है, एडमिट कम मार्कशीट लिखा रहता है, ठीक है, वो दोनों ही रहता है, एडमिट और मार्कशीट दोनों एक साथ रहता है, और उधर स्टेट में एडमिट कार्ड होते हैं और भी होते हैं, ठीक है। उसको आधार कार्ड मस्ट है, किसी के चोरी पकड़ी नहीं जाए, आधार कार्ड तो बार बार चेंज नहीं कर सकते, 1 से 2 बार आधार कार्ड, 1 नंबर 2 नंबर उसके बाद 3 नंबर फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, ये नहीं कि बड़ा फोटो लेकर चला गया, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना। उस पर 10th क्लास का मार्कशीट जिसमें तुम्हारा कितना नंबर आया है ये तो पता चलना चाहिए ना, सरकार के पास फॉर्म भर कर सरकार को भी पता चलेगा कि तुम इंग्लिश में 0 लाए हो कि 4 लाए हो, कैसे पता चलेगा, वो तो पता करेगा ना, इसलिए ये भी ले जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र,
अब कहां से ब्लेम कर दे, तो जनता उसका हक है ना। उसके बाद एससी एसटी, जो एससी एसटी लाते हो जो कागज है यानी कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जातीय प्रमाण पत्र वो लाना पड़ेगा, ये तुमको देना पड़ता। और कहीं डाउट इसमें कहीं भी, ताकि अगला जब मैं एसएससी के बारे में क्लास करवाऊं तो ये ना बोलना पड़े आप लोगों को कि बीएसएफ क्या है और सीआईएसएफ क्या है, ठीक है। अभी जो डाउट से पूछ लो, जब हम इसका क्लास लेने लगेंगे तो नहीं बताएंगे कि बीएसएफ क्या है, सीआईएसएफ क्या है, आईटीबीपी क्या है, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या डाउट से बताओ, कोई डाउट से तो बताओ इसमें क्या, सर कुछ नहीं समझ में आया, फिर ऐसे नहीं, यहाँ होने के बाद क्या होगा सर, ऐसा कुछ। ठीक है पोस्ट, हाँ चलो ठीक है, पोस्ट के बारे में बता देते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर जो बॉर्डर पर रहते हैं लोग, ठीक है, बॉर्डर पे जरूरी नहीं कि बॉर्डर पे ही रहते हैं और जगह भेजा जाता है, ठीक। उसके बाद है सीआईएसएफ, ये ज्यादातर संपत्ति की रक्षा करता है, ठीक है। आईटीबीपी जंगल में रहता है, पहाड़ों पर रहता है, ये लोग नक्सलियों का खोज खबर करता है, कौन नक्सली आ रहा है, कौन बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, उसको मार देना बस, ये सब काम इसका है, ठीक है। आसाम राइफल, ज्यादा आसाम राइफल में नाटे नाटे छोटे छोटे रहते हैं, आसाम के रहते हैं या फिर दूसरे स्टेट में भेजा जाता है लोगों को, ठीक है। सीआरपीएफ ड्यूटी सबसे खराब होती है, सीआरपीएफ ड्यूटी सबसे खराब होती है, ये लोग कभी मरा जाता है, आए दिन कभी पेपर और न्यूज में देखोगे सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान ही मारे जाते हैं। पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था ना नवम्बर में, कितना 2019 में हुआ था, उसमें 40 जवान मारे गए थे, किसके कारण मारे गए थे, कारण उसका कौन था, कारण उसका कौन था, वो उसको मारा गया था, उसका कारण कौन था, कारण वहां के लोकल ऑथोरिटी है, वहां पर रहने वाले जो बॉर्डर एरिया के लोग रहते हैं, मिलकर ऐसे मिलिटेंट उसको बुला सकता है, या स्लीपर सेल बुला सकता है। स्लीपर सेल के बारे में बताए थे अभी कुछ देर पहले, स्लीपर सेल क्या होता है, बताया था ना स्लीपर सेल क्या होता है, स्लीपर सेल ही कोई ये लोग मदद करता है तो ही ऐसा घटना हुआ था, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। स्लीपर सेल के बारे में पता है कि नहीं, नहीं पता, स्लीपर सेल के बारे में बता देते, स्लीपर सेल क्या होता है, क्या होता है स्लीपर सेल, स्लीपर सेल क्या होता है, स्लीपर स्लीपर सेल, ठीक है। स्लीपर सेल क्या होता है, ये एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, छह आ गया, फिर इधर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ये मास्टर माइंड है, ठीक। पिछली वीडियो में बता दिया, अपलोड कर दिए, देख लेना, वहां पर समझ में आ जाएगा। स्लीपर सेल क्या होता है कि ये मास्टर माइंड रहता है, ये इसको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, ये इसको इन्फॉर्मेशन देता है, ये इसको इन्फॉर्मेशन, इसको इसको सबको इन्फॉर्मेशन हो जाता है, ये रह जाता है कहीं भी करता है कुछ भी, कोई किसी को नहीं पहचानता, कोई किसी को नहीं जानता है, ठीक है, क्या करना है ये भी नहीं पता रहता, हमको करना क्या, ये मानव बम भी बन सकते हैं, जहां इन लोगों को भेजा जाएगा वहां ये लोग जाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके किसको देता है, मास्टर माइंड को, इसका काम है स्लीपर सेल, इसको कहा जाता है। आईसी को, इसी को कौन खोजता है, मास्टर माइंड कौन खोजता है, ये खोजता है, कौन खोजता है, एनआईए, ये लोग खोजते रहता है कहां से ये लोग दिमाग लगा रहा है, ठीक है, बस उठा लेता है उसको, अब भर पेट पीटता है बंद करके करेंट से, मार लाठी तोड़ देता हड्डी उसको, उसके बाद लोग बोलता है कि सर ऐसा ऐसा किए हुए हैं। इसके वजह से स्लीपर सेल का मेन काम है देश में होने वाली सारे जगहों पर कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, एक काम होता है। एनआईए का काम होता है इस सब का हिसाब करना, ठीक है, जो घटाना गुना भागा एक बार में कर देना है, ठीक है। ये लोग जोड़ कर रहा है तो ये लोग गुना कर लिया, ठीक है, अभी जोड़े कर रहा है तब तक ये गुना कर लिया, एक बार में उठाकर डाल लेना अंदर, ठीक है, समझ में आया ना सब कुछ, क्लियर है, ओके।